सो हेलो, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में आपका भाई फर्स्ट वीडियो शूट कर रहा है एक न्यू स्ट्रेटेजी डूरा लूडन के साथ, जो कि मैं एपेक्स ओआरजी के लीडर्स ओआरजी ओरिजिनल्स के लीडर के साथ जो हमने एक न्यू स्ट्रेटेजी बनाई है, और इस न्यू स्ट्रेटेजी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बफ और एक अच्छी स्ट्रेटेजी, मतलब बफ वाले पोकेमोन और एक अच्छी स्ट्रेटेजी यूज़ करो, जिससे ये हो कि आप हर रैंक मैच में टीममेट्स की बदौलत नहीं, कम से कम अपने जो सिंगल गेम प्ले उससे ही जीत जाओ। और इस बार हमने ऐसी ही टीम बनाई है जिससे ये होगा कि थोड़ा बहुत जो टीम होगी वो मतलब टीम को खेलने नहीं भी आता होगा तो टफ टाइम दे दोगे आप लोग अपोनेंट को, और सेंटर हो सकता है कि आप बार बार डोमिनेट कर दो, मतलब चांसेस हैं, इससे आपके चांसेस बढ़ा सकता हूँ मैं मैच जीतने के। और अगर आपको मैच जीतना चाहते हो तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी सबसे पहले हमारा मैच हो चुका है स्टार्ट। मैं इस मैच के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने कोई 5 मैचेस खेले और उनमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी फाइट और अच्छी जो टीम आई थी वो यही वाली थी, तो मैंने कहा कि भाई ये वाला गेम प्ले ये अपलोड कर देते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम बात इस वाले गेम की। हमारे जो ORG जो करे उस नूब ने हमारे सिंड्रेस का जंगल उठा लिया, जो आपने देखा होगा उसने एक डॉग जो होता है जो लेवल देता है 3, उसने वो शार्ट कर दिया साइड से, हमें पता चल गया, लेकिन हमारे सिंड्रेस को ही नहीं पता चला। मैंने कहा कोई बात नहीं, इग्नोर सिंड्रेस इग्नोर, और अभी हम अपने फार्म पर फोकस करते हैं। और आप अपोनेंट की टीम पर अगर थोड़ा सा गौर करो तो वो हमारे को फार्म नहीं करने दे रही, वो बहुत ही अच्छे खेल रही थी जिस वजह से हम फार्म नहीं कर पा रहे थे, और मुझे 1 HP छोड़ा दोनों 2 बार। और अभी आपके सामने मैंने 2 बार बेरीज खाई हैं, वो भी 2 बेरीज खाई हैं, सॉरी 2 बार नहीं 2 बेरीज खाई। और अभी वापस अपने फार्म पर फोकस करता हूँ। मैं इधर कहता नहीं भाई इस बार फार्म नहीं जाने देंगे। मैं जैसे ही अपना फार्म लेता हूँ मैं अपोनेंट की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, उनका थोड़ा सा तो फार्म होगा जिसे मैं लेके अपनी XP पूरी कर लूँगा, लेकिन उनका फार्म नहीं दिखता है, तो मैं वापस अगेन फॉल बैक करने लग जाता हूँ। जैसे मैं फॉल बैक करता हूँ क्रसल मुझे तंग करने लग जाता है। मैंने कहा यार क्या ही तंग करने वाला बंदा है, क्रसल प्लस अपोनेंट में जो आपको पोकेमोन दिख रहा है क्रसल पिकाचू एंड अपना एक और जो पोकेमोन है वो तीनों ही समझ लो बहुत तंग करने वाले। एक जो एल्डागोस है वो भी हमें तंग करता है, बाकी 2 तो हैं ही स्टनर। और इधर मैंने 20 से सिर्फ 1 फार्म उठाया, बाकी हमारे ब्लीसी भी नूब मर गया, जिससे ये हुआ कि हमारी टीम पे थोड़ा सा लोड आ गया। और जो हमारे बल्कि मजाक कर रहा हूँ, ब्लीसी नूब ने हमारी टीम में जो माचेम पे टॉप लेन अच्छे से संभाल लो बहुत अच्छा खेलता है अपना माचेम यूज़र, एपेक्स जो हमारा सिंडेस चला रहा है वो भी अच्छा खेलता है, डूरा लूडन जो कि सबसे प्रो है इनमें वो भी बहुत अच्छा खेलता है, जिस वजह से हम लोग ये मैच जीतेंगे। और अपना जो एशक्राई है वो ब्लीसी जो मास्टर वो भी बंदा ब्लीसी मास्टर, मतलब हमारी टीम में हम लोग सब ढंग के खेलने वाले प्लेयर्स थे, फिर भी हमारे ये हालत कर दी थी अपोनेंट की टीम ने, मतलब कोई बहुत टीम नहीं आई हुई थी तो एक तगड़ी टीम आई हुई थी, तो हम भी ढंग से खेल लेते और वो हमारे ऊपर जो पोकेमोन है हमारे जो 2 टीममेट्स है वो टॉप संभाल लेते हैं, और हम जो 3 हैं वो बॉटम पे, हम कह रहे थे नहीं भाई तुम्हारे बॉटम आने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग टॉप डोमिनेट करो, रेड पे आ जाना सिर्फ। और जैसे ही अभी मेरे को अभी फार्म लिया, मुझे पल्स मिल गया ड्रैगन पल्स, और आप लोग भी ड्रैगन पल्स और जो रॉक के वाला है स्टेल्थ रॉक वही यूज़ करना, डूरा लूडन पे सबसे बेस्ट वही है। और स्ट्रैटेजी ये है कि भाई 3 नीचे बॉटम खेलेंगे और सिंडेस जो है वो माचेम के साथ टॉप करा करेगा। स्ट्रैटेजी सिंपल है, बिल्कुल कुछ ज़्यादा समझाने वाली परेशानी वाली स्ट्रैटेजी नहीं। हाँ माचेम या लुका यूज़ कर सकते हो और एल्डा की जगह आप ब्लीसी यूज़ कर सकते हो, और मतलब दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, और स्ट्रैटेजी बस सेम ही रखना, मज़ा आएगा आपको खेलने में भी, डोमिनेट करने में बड़ा मज़ा आएगा। और हाँ अगर आप मेरे चैनल के मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चेकआउट कर लेना, मेंबरशिप बहुत ही मेंबरशिप से आप बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, तो ज़रूर बाय करना। 20 आ चुकी हैं, हमने मैंने अगेन 20 पे फोकस किया और मैं 20 लेने का फुल ट्राई किया, और हमें अभी तो ये लोग 20 पे हमें ज़्यादा मतलब तंग नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने सारी 20 उठा ली हैं और हमारे टीममेट और मैंने मतलब हम सब ने उठा लिया है सारी 20, और बाकी जो अपोनेंट है वो 20 पे शक्ल देखते रह गई। अभी ऊपर वाला 5 वाला जो बफ है वो रह गया था, जिस मैंने कहा नहीं यार ये बफ लेना मुश्किल है तो पहले इनको लिपेट देते हैं। मैंने डूरा लूडन से पल्स यूज़ किया और मैंने क्रसल को धो दिया, क्रसल अब जा चुका है उनके बेस, और इनके 2 पोकेमोन है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि नीचे जो उनका एक टॉप खेल रहा था वो आके वो ड्रेड निकालने की कोशिश कर रहा है, और उसने ड्रेड निकाल लिया, ज़रूरा जो था उनका शायद ज़रूरा तो कौन था आई डोंट नो, मैंने नोट नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि भाई कोई तो एब्जुल तो उनका बहुत तंग कर रहा था, एब्जुल यकीन करो उनका लिटरली बहुत तंग कर रहा था, शायद एब्जुल ही ने उनका ड्रेड भी निकाला। और ये गेम यार मैंने रिकॉर्ड किया, वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मैं इसलिए ये सोच के बोल रहा हूँ, ऐसा ना मैं कुछ गलत बोल दूँ, और अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो माजरत भाइयों। और हमारे सिंडेस ने इधर 1v3 कर दिया मेरे सपोर्ट और ब्लास्टियस के सपोर्ट से, क्योंकि ब्लीसी तो अपना टॉप खेल रहा है, जिसको सपोर्ट करना चाहिए था वो टॉप खेल रहा है, कोई बात नहीं, वो लोग रोटोम पे चले गए और वो सारे बंदे रोटोम पे फोकस करेंगे, और मैंने उनको यही बात कही कि तुम लोग रोटोम लो मैं नीचे बेस डिफेंड करूँगा, बिकॉज सारे बंदे ऊपर चले जाएंगे तो बेस का कौन संभालेगा। तो मैं अभी आसपास देखता हूँ, गोल वोल उठाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ भाई कि 20 कब आएंगे, जैसे ही 20 आएंगे मैं 20 पे अटैक कर दूंगा। स्टेल्थ रॉक को मैं बिल्कुल तैयार रखता हूँ, मैं टॉप भी देख रहा हूँ, मैं कह रहा
मैं इधर 20 भी देख रहा हूँ, मतलब आपका भाई थोड़ा लीडरशिप यार वो जो अपना वो जो है ना IGL उस मेरे काम है मतलब ये सब करना, तो मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। तो अभी 20 आ जाती हैं, मैं देखा कि ऊपर 20 आ गई, बॉटम भी 20 आ गई, तो मैंने बॉटम 20 पे स्टेल तो रख फेंका। मैं डैमेज दे ही रहा था कि मुझे दिखता है नीचे क्रसल आ रहा है, मैंने जैसे ही इस पर पल्स मारा क्रसल आके 20 चोरी करने का सोचता, लेकिन आधा से ज़्यादा आपको पता है मैंने ले लिया। उसके बाद वो गोल करने की कोशिश करता है जिसके जो कि मैंने अगेन 20 डिफेंड भी कर लिया अपना, उसे गोल करने से रोक लिया मैंने और उसे मैंने भगा दिया। और अभी वो फिर आएगा अगेन मुझसे पिटने, और हमारी ब्लेसी ऊपर जाके भी पिट रही है। मेरे 1 kill 3 assists हैं और अपना एपेक्स भी ढंग से खेल रहा था। अभी एपेक्स से अगर आपको सिंडिस की कुछ टिप्स लेनी हो तो वो ले सकते हो, और माचिन के ऊपर अगर कोई वीडियो चाहिए हो या अगर कोई पोकेमोन पे वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट करना। और वीडियो का अगर अब तक का आपको पार्ट अच्छा लगा और अभी तक आप रुके हुए तो ज़रूर स्ट्रीम लाइक कर देना, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी सपोर्ट करते रहना। आपका भाई ऐसे ही लगा रहेगा हमेशा आपकी अपने आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेगा, और आप लोग भी मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहना। आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ऊपर हमारे ऊपर का बेस डोमिनेट हो गया और अगेन वो लोग ऊपर से टॉप पुश भी करवा दिया हमारे बेस पे, गोल भी उन लोगों ने बहुत सारे डाल दिए, और वो अभी ट्राई कर रहे हैं कि ड्रेड ले लेंगे। लेकिन मैं ड्रेड पे था तो मैंने फुल ट्राई किया, मैंने कहा नहीं भाई मैं ड्रेड जाने ही नहीं दूंगा, मैं सोलो था तो मैंने कहा यूनाइट यूनाइट है पड़ा हुआ। मैंने एक बार पल्स मारी, मैंने देखा ड्रेड की हेल्थ का, मैं जैसे ही मैं यूनाइट चला मैंने यूनाइट को अगेन क्रसल ने फ्यूज़ कर दिया और मैंने लास्ट में पल्स मार के ड्रेड उठा लिया। तो यहाँ पर मैंने ये बहुत अच्छा काम किया, मेरे सारी टीम ने अप्रिशिएट किया मुझे, कहा कि बहुत ही अच्छा तूने ब्लास्ट अभी तूने डूरा लूडन चलाना स्टार्ट ही किया और तूने इतने अच्छे से उसको स्टील भी किया। तो मैंने कहा नहीं भाई अभी स्टील किया, अभी 1v3 भी करूँगा। तो मैंने इधर यूनाइट चलाई और देखा इनकी हेल्थ कम है, तो मैंने 1v2 कर दिया, इधर सिंपल 1v2 कर दिया था। मैंने सोचा 1v3 ईजी हो जाएगा बिकॉज एब्जुल की कम हेल्थ थी और वो साइड से भाग गया, लेकिन मैंने देखा कि भाई एल्डर वॉज जो वो हम दोनों की कम हेल्थ देखे हम पुश कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं इसे दूर से मैं लपेट दूंगा। लेकिन हमारे ब्लास्टर्स ने आपको पता है मेरे डैमेज देते ही ब्लास्टर्स ने किल चोरी कर लिया, और कैसा किल चोर आदमी ये, और जो कर कभी फार्म चोरी कर रहा है कभी किल चोरी कर रहा है। तो अभी हम बेसिकली अभी हम फोकस करने वाले हैं रोटम पे, बिकॉज रोटम आ चुका है अपना, और रोटम पे हम सारे बिल्कुल टूट पड़ते हैं, बिल्कुल भागते 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 ब्लास्टर्स मटक मटक के मेरे तरह बिल्कुल डूरा लूटन की तरह चल रहा था, क्योंकि दोनों ही मटक मटक के चलते हैं। और अभी रोटम पे मैं बोला यार मुझे ज़रूरत क्या है, मेरे सिंडर से 1v3 कर दिया और रोटम भी ले लिया, तो मैंने कहा नहीं भाई क्रेडिट लेना है तो थोड़ा सा पल्स मार के शो ऑफ कर देते हैं। शो ऑफ करते हुए अभी हम लोग शो ऑफ बहुत हो गया, अभी हम फोकस करते हैं रोटम पुश करवाने पे। जैसे ही मैं रोटम पुश करवाने आता हूँ देखता हूँ कि हमारे पूरे टीममेट्स इधर चढ़ पड़े हैं भाई इन पे, और ये इधर मैंने पल्स का फाइनल मूव देते हैं, मैंने किल्स उठाए और जैसे मैं गोल करने गया रोटम पे भाई मेरे 50 थे, मेरे सारे टीममेट्स ने बिला वजह ही गोल कर दिए, जिसकी वजह से मेरा 50 का गोल रुक गया। और अभी मैंने 1v1 किया और अगेन एक किल माचम ने चोरी कर लिया, मैंने सोचा 47 का गोल ही कर देता हूँ, लेकिन जैसे मैं गोल कर रहा था अब्जुल आके मुझे स्टॉप कर लेता है और मेरे गोल को रोक लेता है। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई चलो अब तो गोल रुकी गया, अब तो कुछ घंटा कुछ नहीं कर सकते, और अभी हम लोगों के ऊपर आ गया VR लीड, तो मैं थोड़ा खुश हुआ कि नहीं यार इस स्ट्रेटेजी के साथ पहले 2 मैच जीत चुके हैं, 1 मैच हारे हैं, अगर ये मैच भी जीत जाए तो एक ये होगा कि भाई ये स्ट्रेटेजी अच्छी है, इसी वजह से हम पिट नहीं रहे। और अगेन अच्छी अच्छी टीम्स आ रही थी, अब देख सकते हो इसने हमारे को शुरू में फार्मिंग नहीं करने दी, बहुत ही अच्छी टीम थी डोमिनेट कर रही थी, और कोई बॉट टीम नहीं है, कोई 2000 रैंक वाले लॉबी आ रही, कोई बॉट लॉबी नहीं आ रही मेरी जान, कोई हल्की फुल्की लॉबी नहीं है। मैंने जितने मैचेस खेले सब टॉप लेवल के मैचेस हैं। और इधर अभी हम पे पुश हो रहा होता है और हमारे सारे चारों टीम पोकेमोन जो है मतलब चारों टीममेट वो ट्राई कर रहे होते हैं कि बेस पे ज़्यादा पुश नहीं हो, हार्ड पुश नहीं हो। लास्ट जोन जो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो इंटेंस फाइट होती है वो लास्ट के 2 मिनट्स में होती है, और 2 मिनट से पहले ही इधर फाइट होगा इंटेंस, जिसपे मैं मर गया, 1 kill उठा के मरा, और इधर हमारे सिंडिस ने 1v2 किया, अगेन सिंडिस 1v4, सिंडिस का बहुत बार 1v4 हुआ है, मेगा किल्स की किए उसने इस बार, और डेड भी। क्या आप लोगों को लगता है ये 3-4 सेकंड में डेड निकाल पाएंगे? मुझे तो लगता है कि भाई नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इम्प्रेसिवली ये लोगों ने डेड निकाल दिया है। और अभी जैप फाइट होने वाली थी, लेकिन उन लोगों को हमने इतना धोया कि वो जैप आने से डरेंगे, और अभी जैप फाइट आपको पता मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट, अगर आप पूरा गेम में हकते हो और सिर्फ जैप फाइट जीत जाते हो तो आपको पता आप गेम जीत जाते हो। तो मैंने इधर अपना यूनाइट चलाया, मैंने कहा नहीं अभी इनको डोमिनेट करना है तो अभी इनसे टीम फाइट लेने के, मैंने यूनाइट चलाती पल्स मारा, जिससे ये हुआ कि उनकी बहुत ज़्यादा हेल्थ गई और अभी हमारे ने चोरी कर लिया। लेकिन मेरे ऊपर से जो नोटिफिकेशन उन्होंने मुझे बहुत ट्रोल किया, मेरा फ़ोन थोड़ा लैगी हो गया था उस नोटिफिकेशन की वजह से। लेकिन इधर हमारे सिंडर्स ने अगेन 1v5 किया या 1v4 किया होगा, मुझे जितना याद है 1v4 किया होगा, हाँ तो अगेन उसने 1v4 किया, और मैं इधर सुकून से गोल उठा रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है पांचों बंदे मरे हैं तो मुझे किस बात की टेंशन, मैं सुकून से गोल उठा के मैं जाऊँ के सिंपली बेस पे गोल भी डाल दूंगा, मतलब इतना ईजी हो गया था हम पे मैच। तो इधर मैंने ईजी गोल किया, गोल करने के बाद मैंने बोला भाई मार लो अब तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वी हैव अ ह्यूज लीड है अपने पे, कोई टेंशन नहीं, हम लोग तो बड़ा एकदम मतलब इजीली गेम निकाल दिया हमने अगेन। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो हमारी गेम और आपको लगा हो कि यार
नहीं इस लॉन्डे ने बड़ी मेहनत की और इसकी स्ट्रेटेजी पसंद आई आप लोगों को, या गेम में कुछ भी, इस पूरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो में अगर मेरी वॉइस ओवर पसंद आई, फर्स्ट वॉइस ओवर किया, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और भाई अगर थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो यार मेम्बरशिप परचेज कर लो, और बस एपेक्स भाई का भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हो तो उनको भी विजिट कर लेना, बाकी हमारे कोई भी अलग पोकेमॉन पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे चैट करके बताना। तो अभी बस लास्ट मोमेंट चल रहे हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बेस वेस फाइट वाइट हो रहा है, मतलब लास्ट के मोमेंट्स चल रहे हैं और मेरी इस वॉइस ओवर के भी लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं। तो बस फिलहाल के लिए अभी हम इनको मारेंगे और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आप लोगों को कुछ भी करना हो यार, कोई सपोर्ट या कोई चीज़ सजेस्ट करनी हो तो चैट सेक्शन खुला है, वहाँ जाके कर सकते हो, और हो सकता है तो ज़्यादा सपोर्ट किया करो यार भाई को, और स्ट्रीम पे आया करो, डेली स्ट्रीम करते हैं हम लोग, नाइट डे ऑल टाइम ही स्ट्रीम कर रहे होते हैं हम। और क्या कहना था, और ये कहना है कि बस आज की स्ट्रीम में इतना ही, मिलते हैं आप सब लोगों को नेक्स्ट वाली स्ट्रीम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर एडिटिंग सब करके वीडियो रेडी करके अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो सबसे अच्छा हमारे जो सबसे ज़्यादा किल्स हैं एपेक्स भाई के, बस आज के लिए इतना ही, मिलते तुमसे नेक्स्ट वाली स्ट्रीम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, तो और मैं याद रखना, बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।